ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स विच हैज डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम हैज बीन आस्क्ड टू कोड फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। द कस्टमर रिक्वायर्स सेपरेट प्राइस कोटेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर। ये अंडरलाइन करें ये वर्ड, सेपरेट प्राइस कोटेशंस, मतलब तीनों तीनों जो वो है आपकी कोटेशंस वो अलग अलग बनानी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। द फर्म एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 20 रुपए का लगेगा, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी इनकी इतनी इतनी लगेगी। डिपार्टमेंट ए पे लिखा है हाईली ऑटोमेटिक, इसका मतलब है ये मशीन्स हैं, तो इसके आगे लिख दीजिए ये लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़े। वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब है 20% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। फिक्स्ड ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए का 8 रुपए पर आवर, डिपार्टमेंट बी का 5 रुपए पर आवर। डिटरमाइन अ प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द थ्री ऑर्डर्स एज्यूमिंग द फर्म यूजेज अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट एंड अलाउज फॉर एन 80% लर्निंग कर्व। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल इज एज अंडर। एक्स रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू डेट एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर। अंडरलाइन कर दीजिए इसे। Y is the learning curve factor for a given X expressed as a percentage of cost of initial order। ये भी underline कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखें जरा कि भाई कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें नोट कर लीजिए। पहला क्या, लर्निंग कर्व नॉट अप्लाई ऑन मशीन्स सो देयर की जगह दैट इज डिपार्टमेंट ए, मतलब मशीन पर नहीं लगती है, जो ऑटोमेटिक मशीन्स रखे हैं ना इन्होंने, तो मशीन पर नहीं लगता है। अब हमारी जो बनेगी वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्स और वाई को हम लिख रहे हैं, ये एक्स है, एक्स कितना है 1.0 तो आउटपुट कितना हो जाएगा, वन इंटू हंड्रेड इनिशियल ऑर्डर का मल्टीपल
वाई कितना है, जरा वाई का भी लिख ले। वाई है हमारा 191.7, इसके बाद है 89.5%, 87.6%, 86.1%, 84.4%, 83%, 81.5%, 80%। ये आपको पता चल गया लर्निंग कर्व आपका 80% है। जैसे ही देखिए प्रोडक्शन डबल हो रहा है, लर्निंग कर्व का इफेक्ट आपका 80% आ गया। ठीक है, अब आप देखिए लेबर कॉस्ट कितनी होगी। लेबर कॉस्ट, क्योंकि लर्निंग कर्व किस पे अप्लाई होता है, लेबर पर। इनिशियल ऑर्डर के लिए इसमें नोट टू लिखेंगे, लर्निंग कर्व अप्लाई होगा ऑन डिपार्टमेंट बी ओनली। तो इनिशियल ऑर्डर के लिए 40 घंटे लग रहे थे 100 यूनिट के लिए ₹15 से, यानी कि ₹60,000। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको घंटों में ही कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपके 4000 घंटे लेबर आवर्स लिख दीजिए इसके आगे। 4000 घंटे लग रहे थे हमारे को हंड्रेड्स के लिए। अब आप यहां पे देखिए जरा ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी, जरा समझिएगा इस चीज को। तीन ऑर्डर है, पहला ऑर्डर 100 यूनिट का है, दूसरा 60 यूनिट का है, तीसरा 40 यूनिट का है। तो दूसरा ऑर्डर आते ही, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है, हमारी क्यूमुलेटिव क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 160, और तीसरा ऑर्डर आते ही हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 200 यूनिट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक यूनिट का ही डाटा लिया जाए। ठीक है, तो लेबर आवर्स मैंने ले लिए, 40 घंटे लग रहे थे, 160 का मतलब है अब हम इस ब्रैकेट में आ गए हैं। नीचे लिखा है ना सेकंड, और 200 का मतलब है हम लोग इस ब्रैकेट में हैं। तो हमें जो डाटा निकालना है वो इतनी यूनिट्स का ही निकालना है, इनके आगे या पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 100 जो पहली ऑर्डर है वो 100 की है, उसमें 40 घंटे
पर यूनिट है। जो 160 में आएगा वो क्या आएगा, 40 इंटू 86.10, दैट इज मल्टीप्लाई करें इसको, ये आएगा हमारा 34.44। और 200 में क्या होगा, 40 इंटू 80%, 32 आवर्स। ये पर यूनिट के आवर्स हैं। तो टोटल आवर्स कितने लगे मुझे, अगर मैं प्रोडक्शन पे देखूं, 40 इंटू 100, 4000, थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर इंटू 160, ठीक है, एंड 200 इंटू 32, फिर मैं कहूंगा इंक्रीमेंटल आवर कितने लग रहे हैं। तो यहां 4000 से 5560 है और यहां पर 889.60। बस ये एक वर्किंग नोट था हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का काम जो है वो बहुत सिंपल है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कोटेशंस। जरा इसको ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा ये, इसकी वर्किंग का ही सारा खेल है। पहला ऑर्डर है 100 यूनिट्स का, सेकंड ऑर्डर है 60 यूनिट का, वो जो थर्ड ऑर्डर है वो कितना है, 40 यूनिट्स का है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो तो सब पे इतना ही लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर में आपने ध्यान देना है डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए क्या कहता है, 20 घंटे चाहिए एक यूनिट के लिए। तो 100 इंटू 20 आवर्स इंटू 10 रुपए, 62 इंटू 20 आवर्स इंटू 10 रुपए एंड 40 इंटू 20 आवर्स इंटू 10 रुपए, ये कितना होगा, 20,000, 12,000, 8,000। डिपार्टमेंट बी यहां पर कितने लग रहे थे, 4,000 घंटे 15 रुपए से 60,000। अब आया मेरा लर्निंग कर्व इफेक्ट, यहां पर कितना लगना था, 1510.40 रुपए लगने थे 15 से, और यहां पर 889.6 लगना था मुझे 15 से, ठीक है। यही आपको बताना था कि जो डिपार्टमेंट बी है उसमें लेबर का इंपैक्ट आ जाएगा। तो 1510.4 इंटू 15, यह आया मेरा 22,656, 889.6 इंटू 15,
ये आया मेरा 13,344। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कितने थे? 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आप देख सकते हैं ये 80,000 था, तो इसका 16,000, और ये था हमारा 4,268। ₹34,656। ₹6,931.20। फिक्स्ड ओवरहेड जो थे सर, नहीं सभी बैंकों की सेंक्शन तो नहीं है, लेकिन एलओए जो है वो एक्सपेक्टेड है इसी वीक में, मतलब आज या मंडे। हाँ, फाइनल हुआ ना वो। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेड है इसी वीक में। नहीं, पहले प्रोविजनल आया था ना सर। नहीं, कोई नहीं, जो क्लरिकल एरर थी वो ठीक करी है उन्होंने। हाँ, यस 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 यस।